नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द वाइडबल न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं जिला कोरिया के सोनत क्षेत्र के, सोनत से छेंगुरा गांव जाने वाले मार्ग पर, जो गांव का रास्ता है वहां जाने वाले मार्ग पर जो हसदेव नाला पड़ता है, हम उस हसदेव नाला के समीप खड़े हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वह अभी समस्त विधानसभाओं के दौरे में हैं और कुछ दिनों पहले ही भूपेश बघेल उनके द्वारा ये सख्त निर्देश मिला था कि जितने अवैध रेते के कारोबार चल रहे हैं, अवैध कोयले से लेकर अवैध उत्खनन के जो कारोबार चल रहे हैं, उस पर पूर्ण रूप से विराम लगाना है। वहीं पर अभी वर्तमान स्थिति छेंगुरा गांव के पहले जो नाला पड़ता है हसदेव नाला, मेरे पीछे ही एक ट्रक खड़ा है, आप देख सकते हैं, और यहां पर किस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो ट्रक और ट्रक के पीछे का जो हिस्सा है उसे दिखाएं और किस तरह से यहां पे अवैध उत्खनन चल रहा है, रेते का उत्खनन चल रहा है उसे दिखाएं। जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ये पूर्ण रूप से जो पाबंदी लगाने के निर्देश मिले हैं अवैध उत्खनन पर, वहीं पर वन परिक्षेत्र सोनत के अंतर्गत जो छेंगुरा गांव के पहले जो हसदेव नाला पड़ता है, वहां पर अधिकारियों के नाक के नीचे से जो रेता चुराया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है? क्या उन अधिकारियों का अपने ही परिक्षेत्र पर ठोस पकड़ नहीं है? क्या उन्हें अपने वन परिक्षेत्र पर चल रहे जो अवैध कारनामे और कृत्य हैं, क्या उनके बारे में उन्हें कोई अंदेशा नहीं है? या फिर अंदेशा होते हुए भी वो किसी ऐसे राजनीतिक दबाव के अंतर्गत पड़े हुए हैं कि वो इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? ये एक मुख्य सवाल खड़ा होता है वन परिक्षेत्र सोनत पर। आइए हम आपको पीछे का नज़ारा दिखाएंगे। ये जो ट्रक है और ट्रक के पीछे जो रेता लोड है और साथ ही साथ पीछे जो बेलचा के साथ जो रेता जो यहाँ से उठाया जा रहा है हसदेव नाला से, जिस तरह से मनगढ़ के चैनपुर के नीचे जो पुलिया है परसगढ़ी में, वहां पर दिन दहाड़े रेता चोरी हो रहा है। कई बार वहाँ प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद भी वो किसी न किसी तरह की अपनी मजबूरियों को बताते और कार्रवाई के आश्वासन देते नजर आए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई वहाँ पे देखी नहीं गई है। कुछ ऐसा ही हाल छेंगुरा गांव के पहले जो नाला पड़ता है हसदेव नाला, वहाँ का है। ये ट्रक मेरे सामने खड़ा है और यहाँ पर अवैध उत्खनन दिन दहाड़े दिन के समय चल रहा है। अधिकारियों से जब इस संबंध में सवालात किए जाते हैं और उनसे इसकी जानकारी मांगी जाती है, या तो वो अपना मुंह छुपाते नजर आते हैं, हमें भटकाते नजर आते हैं। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, बड़े पैमाने में यहाँ पर रेत चोरी किया जा रहा है। अगर दिन के समय में इतने बड़े मात्रा में रेत चोरी हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 24 घंटे में यहाँ कितनी गाड़ियां लगती हैं और कितना यहाँ पर रेता चोरी होता है, जिस पर प्रशासन की कोई कार्रवाई देखी नहीं जाती है। क्या इस पर कोई राजनीतिक प्रेशर पड़ता है, कोई दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो इससे संबंधित अधिकारी है, चाहे वो खनिज अधिकारी हो, चाहे वो वन परिक्षेत्र अधिकारी हो, जो इन सब कृत्यों पर कोई अपनी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते हैं? ये सबसे मुख्य सवाल खड़ा होता है छत्तीसगढ़ प्रशासन पर। ट्विटर के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमने ट्विटर के माध्यम से भी उन्हें इन सब कुकृत्यों की जानकारी देने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, पर अभी तक जिला कोरिया में चल रहे इन अवैध उत्खननों पर, जो रेते के अवैध उत्खनन है, इन सब अवैध उत्खननों पर, कुकृत्यों पर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम अभी तक लिया नहीं गया है, जो कि हमें साफ नजर आ रहा है। अगर लिया जाता या वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अगर संपूर्ण रूप से कार्रवाई की जाती अपने परिक्षेत्र पर, वन विभाग द्वारा अगर कड़ी निगरानी रखी जाती, तो उनके नाक के नीचे से ये अवैध जो रेते की जो चोरियां हो रही है, ये चोरियों पर विराम लगता और ये चोरियां बंद हो जाती, पर अभी तक ये चोरियां बंद हुई है। क्या कहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी क्या खुद इसमें सम्मिलित तो नहीं है? अगर सम्मिलित नहीं है तो इन सभी कुकृत्यों पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, वो उनका जवाब क्यों नहीं देते और वो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?